हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम माई सेल्फ राजीव पांडे एंड योर क्लास मैथ्स टीचर। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे हियर क्लास फोर्थ मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 टिक 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 टॉपिक क्लॉक 24 आवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक माय ऑनलाइन मैथ क्लासेस। Myself Rajiv Pandey and your math teacher from Shivra Singh Children Academy. So dear students, today class 4th subject maths, chapter number 4th, tick tick tick, and topic is the clock 24 hour. So dear students, in last video we are discuss about the clock. हमने पिछले वीडियो में आपको क्लॉक के बारे में बताया था, इस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर था, और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो क्लॉक होता है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है और उसमें क्या क्या सिस्टम्स रहते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आप देखते होंगे कि जब आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, रेलवे स्टेशन से घूमते हैं, तो आप रेलवे स्टेशन पे देखते हैं जो टाइम होता है, ठीक है, वो टाइम 12 आवर में ना बताकर वो 24 आवर में बताता है। अंडरस्टैंड? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप बेसिकली आप क्या करते हैं, 12 जानते हैं, जैसे आपने नॉर्मली कितने, किसी ने पूछा कितना बजा, तो आपने बोला कि 11 o'clock, 12 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock, नॉर्मली यही आप बताते हैं बेसिकली। कभी ये नहीं कहते कि 13 o'clock हुआ, 14 o'clock हुआ, 16 o'clock हो गया, 19 o'clock हुआ, नेवर, कभी बताते हैं नहीं आते। तो जो हम क्लॉक देखते हैं वो टू टाइप का होता है, ठीक है, पहला तो एक नॉर्मल सा क्लॉक होता है और दूसरा होता है डिजिटल। क्या होता है, एक डिजिटल होता है, डिजिटल क्लॉक बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल सा क्लॉक होता है। नॉर्मल क्लॉक में क्या होता है, आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नीडल्स लगे होते हैं जो टाइम जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस सर्कल को राउंड करते रहते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड वीडियोज को देख रहे हैं, चैप्टर को सुन रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस चीज़ को देखते हैं, केयर करते हैं रेलवे स्टेशन पे, कि जो 24 आवर क्लॉक बना रहता है वो टाइम किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो हमारा टाइम है, मींस हमने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि जो टाइम है, टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डे के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 day = 24 hour, ठीक है, 1 day = कितना होता है, 24 आवर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी 24 आवर को क्लॉक में चेंज कर दिया गया है, क्लॉक बना लिया गया है, ठीक है। अब हम डिजिटल, अगर हम, ये तो एक क्लॉक की नॉर्मल सी बात है, आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि 13 मतलब हो गया कैसे दोपहर का समय, ठीक है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, जब आप डिजिटल क्लॉक पे देखते हैं, मीन्स आप अपने सेलफोन में देखते हैं, तो वहाँ पे टाइम को ध्यान से जब आप देखेंगे, ठीक है, अपने मोबाइल में, अपने घर के आसपास या किसी भी चीज़ में देखेंगे, तो वहाँ पर जो क्लॉक होता है, ठीक है, सेलफोन में, उस सेलफोन में आपका लिख के आता है AM और PM, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मत समझना, ठीक है, PM, कि यहाँ PM का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो जो क्लॉक्स होता है, एक नॉर्मल सा हम देखते हैं निडिल वाला क्लॉक, ठीक है, पहला जो नॉर्मल क्लॉक होता है, दूसरा कैसा क्लॉक होता है, जो डिजिटल होता है, केवल टाइमिंग बताता है, वहाँ पे क्लॉक वगैरह नहीं चलता, ठीक है, जैसे सेलफोन में, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब रेलवे स्टेशन पे देखते हैं तो टाइम जोन को वो कहता है कि जो रेलवे का जो चार्ट पेपर होता है, टाइम टेबल होता है, जो अनाउंसमेंट होता है, किसके लिए, ट्रेनों के लिए, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कभी भी इस तरीके से नहीं लिखा रहता, 16:34 पे मान लीजिए सायगंज जाने के लिए कोई एक ट्रेन आएगी, उसकी टाइमिंग कितनी है, 16:34। यहाँ पे जो इस साइड में रहता है, ठीक है, ये किसको प्रिफरेंस करता है, ये किसको बताता है हमें, ये बताता है कि दैट्स इज लेफ्ट टाइम ऑफ आवर, दैट्स लेफ्ट टाइम ऑफ
आवर, मतलब इतना जब आपके वन डे का, एक दिन का 16 आवर कंप्लीट हो जाएगा और 34 आवर कंप्लीट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे साहेगंज जाने के लिए एक ट्रेन आएगी रेलवे स्टेशन पे। उसका टाइम क्या है, ये है एक्चुअल में, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। जैसे मान लो आप टेबल कर रहे हैं और जैसे एक नॉर्मल सा ट्रेन का नाम है देहरा, देहरा एक्सप्रेस बोलते ना कि देहरा आ रहा है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखते हैं कि देहरा या मरुधर, तमाम सारे ट्रेनें एक्सप्रेस चलती रहती हैं, ठीक है। वो किसी का टाइमिंग रात के नॉर्मल 7 o'clock का है किसी का टाइमिंग, या किसी का मॉर्निंग में है, ठीक है। तो अब ये 7 o'clock तो हमने बोल दिया, लेकिन जब हम रेलवे के टाइम जोन में जाकर, ठीक है, इस चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा रहेगा, 17:19 बस्कर 16 पे मरुधर एक्सप्रेस आएगी आपके अकबरपुर रेलवे स्टेशन पे। कौन सी ट्रेन आएगी, मरुधर एक्सप्रेस, इतने बजे की उसकी टाइमिंग है। अब अगर ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि भैया आप जानते हैं कि जो हमारा टाइम होता है, जो वन डे होता है, उस वन डे को हमने किस में डिवाइड किया है, 24 आवर में, किस में डिवाइड किया है, 24 आवर में डिवाइड किया है। अब अगर 24 आवर में डिवाइड कर दिया है तो ये क्या बता रहा है, फिर ये बता रहा है कि इतना टाइम 19 hours and 17 minutes आर लेफ्ट, क्या हो गया हुआ 24 आवर में से इतना टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। और जब इतना टाइम हमारा फिनिश हो जाएगा तो उसी टाइम पे मरुधर एक्सप्रेस आपके यहाँ रेलवे स्टेशन पे आएगी और आप बैठ कर छुक 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 करके निकल जाइएगा। मतलब समझ में आ गई बात। या कभी कभी आप देखते हैं कि ट्रेनों का टाइम कैसे लिखा रहता है, इस तरीके से, मतलब जब हम नेक्स्ट डे का जो बिगनिंग टाइम होगा, नेक्स्ट डे का एकदम स्टार्टिंग अर्लियर मॉर्निंग, मतलब जैसे काउंट कैसे किया जाता है, डे को 12 से नेक्स्ट 12 तक, मिडनाइट से दूसरे मिडनाइट तक काउंट किया जाता है, और इस दिन के बाद जैसे ही मिडनाइट कंप्लीट होगा, 12 के बाद दूसरा 00 बनेगा, वो क्या होता है, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। कौन सा डे, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में वो ट्रेन आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। जो हम कहते हैं कि 7 o'clock, 7 o'clock का मतलब ये हुआ कि 7 hours लेफ्ट हो चुका है 24 आवर में से, ठीक है, 24 आवर में से 7 o'clock 7 hours फिनिश हो चुका है। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डिजिटल क्लॉक की। किसकी बात करते हैं, हम डिजिटल क्लॉक की बात करते हैं। अक्सर डिजिटल क्लॉक में हम AM और PM लिख के आता है, ठीक है, AM और PM लिख के आता है, ठीक है। अब AM और PM का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझ लीजिए। AM और PM का मतलब ये होता है, पहले हम लिख दें यहां पे एंटी मेरी और PM का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरी, ठीक है, एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन मतलब, एंटी का मतलब होता है पहले, बिफोर, एंड पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। मीन्स जो नून का टाइम होता है वो 12 o'clock होता है, कितना होता है 12, ठीक है। तो 12 के पहले का जो दोपहर, जैसे दोपहर किसको बोलते हैं, लिसन, पहले इसको छोड़िए, अब तो पहले आप इसको समझिए। जो मैंने कहा है कि एंटी, एंटी मेरिडियन का मतलब क्या होता है, मेरिडियन का मतलब होता है कि मिडिल टाइम, मिडिल टाइम, ठीक है, मेरिडियन का मतलब होता है मिडिल टाइम। मीन्स जैसे आपका पूरे डे का टाइम क्या होता है, जब आप एवरेज निकालते हैं तो दोपहर, ठीक है, जिसको कहते हैं आफ्टरनून, ठीक है।
क्योंकि दोपहर का टाइम होता है उसको कितना बोलते हैं इक्वल 12, कि अगर यहाँ पे 12 o'clock हो गया तो मीन्स ये आपका दोपहर है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो उसी के पहले अगर हम 12 o'clock की बात जब काउंट करते हैं, मतलब आफ्टरनून की पॉइंट से व्यू से देखते हैं अगर काउंट करते हैं, तो वहाँ पे आता है एंटी मेरिडियन टाइम। एंटी मेरिडियन मतलब होता है कि दोपहर के पहले का समय, ठीक है। एंड पीएम पोस्ट मेरिडियन मतलब आफ्टर द टाइम ऑफ नून, ठीक है। नून का मतलब खाने वाला नमक मत समझ लेना, ठीक है, नून का मतलब होता है यहाँ पे दोपहर से काउंट है। तो मेरिडियन मीन्स, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, एएम और पीएम का मतलब समझ में आ गया। इसको राइट करते जाइएगा अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते जाइएगा छोटे छोटे, और वैसे मैं नोट्स आपको भेजूंगा। तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स, एंटी मतलब ये हो गया, एएम मतलब हो गया एंटी मेरिडियन टाइम, एंड पीएम मतलब हो गया पोस्ट मेरिडियन टाइम। अब आपसे किसी ने बोला कि 2 PM, 2 PM मतलब दो प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है, कि बोला 2 PM, सो मतलब पीएम का मतलब ये मत समझिएगा प्राइम मिनिस्टर, मीन्स 2 PM मीन्स हो गया कि 2 hours लेफ्ट आफ्टर द पोस्ट मेरिडियन टाइम, ठीक है, फ्रॉम द पोस्ट मेरिडियन टाइम, 2 hours लेफ्ट फ्रॉम द पोस्ट मेरिडियन टाइम, मतलब कि अगर दोपहर के 2 PM हैं तो वहाँ से 2 hours कंप्लीट हो चुका है, किसमें से, पोस्ट मेरिडियन में से, टाइम में से। मैंने बताया, अब यहाँ पे समझिएगा, जो टाइम हमारा कितने का होता है, 24 hours का, कितने का होता है 24 hours का। अब इसमें से 12 hours इसने किसने दे दिया, एंटी मेरिडियन टाइम को, एएम को दे दिया, और दूसरे किसको दे दिया, 12 hours पीएम को दे दिया, ठीक है भैया, यहाँ पे समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है। ये आपका जो एक डे है किसमें किसमें डिवाइड हुआ है, 12 AM में और 12 PM में। हमने बताया कि जो मिड है, ये मिड है, जैसे मान लो ये एक डे है, तो आपने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आधा आपने ऐसे किया, ठीक है, हाफ कर दिया, तो हाफ इसको आपने बोला AM और इसको बोल दिया PM। अब ये 24 hours, तो 12 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, ठीक है। तो अब अगर किसी ने कहा कि 7 o'clock, 7 AM, 7 o'clock नहीं बोला, 7 o'clock में क्लियर नहीं हो रहा है कितना क्या हो रहा है, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम वो बताया या नाइट का टाइम बताया है। अगर उसने कहा कि 7 PM, 7 PM बोल दिया, तो मीन्स PM कहाँ पे है, यहाँ पे है PM, ठीक है। तो 7 PM मतलब ये हो गया कि 7 hours लेफ्ट फ्रॉम द 12 hours, जो पोस्ट मेरिडियन का टाइम जोन है उसमें से 7 hours लेफ्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब क्लियर हो गया, आपके डाउट्स क्लियर हो गए। अब फिर से मैं बता रहा हूं, अगर किसी ने पूछा कि 2 AM, तो मतलब 2 AM का मतलब ये हुआ कि जो एंटी मेरिडियन टाइम है, एंटी मेरिडियन टाइम कितने का है, 12 hours का, कितने का है, 12 hours का, एंड 12 hours मीन्स लेफ्ट 2 hours, कितना कंप्लीट हो गया है, 2 hours कंप्लीट हो गया, मीन्स 2 AM हो गए हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, जो क्लॉक होता है, हम क्लॉक यहाँ पे बना रहे हैं, क्लॉक को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी तक आपने कल जो है केवल 24 hours के बारे में ही सीखा था। अब यहाँ पे जो क्लॉक होता है, यहाँ पे आप जब 24 hours का क्लॉक बनाएंगे, तो 24 यहाँ रहेगा, कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और 12 यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा भैया, ठीक है, जैसे वहाँ पे आप 12 hours का क्लॉक देखते हैं, चलो यहाँ बीच में हम बना दे रहे हैं, एक 12 hours का क्लॉक बना दे रहे हैं, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे 12, इसको समझने के लिए आप समझिएगा, यहाँ पे 6 ऐसे ही तो रहता है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 6, ठीक है, यहाँ पे 18, कुछ ऐसे ही रहता है 24 आवर क्लॉक में। अभी मैं मिडिल वाला किसका बना रहा हूँ, मिडिल वाला मैं बना रहा हूँ 12 आवर क्लॉक का, यहाँ पे 1 हो गया। इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, समझने के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। 5 7 8 10 11, ये भैया हमारा 12 आवर का जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ओके 13 14 15 16 17 19 20 21 22 and 23, ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्लॉक बनके तैयार हो गया। अब ये ऊपर वाला जो बड़ा वाला क्लॉक बना है, ठीक है, ये बड़ा वाला क्लॉक किसका है, ये बना है आपका ट्वेंटी फोर आवर का क्लॉक बना है, समझिएगा इसे अच्छे से। अब आप जो बड़े बड़े आपके आसपास आपने देखा होगा क्लॉक वगैरह के बारे में रेलवे स्टेशन पे, आप देखिएगा बनारस में जाइएगा तो वहाँ पे 24 आवर का बड़ा सा एक क्लॉक बना हुआ है, ठीक है, कभी अगर जाने का मौका मिला तो। अब इसमें निडल्स हैं, मैंने आपको बताया था जो सबसे छोटी निडल्स होगी वो किसकी रहती है, आवर की निडल रहती है, उसके बाद उससे जो बड़ी होती है वो सेकंड की निडल होती है, माफ़ कीजिएगा मिनट की निडल होती है, और जो सबसे पतली और लंबी होती है उसे कहते हैं सेकंड की निडल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने डे को किस में डिवाइड किया, डे को हमने 24 आवर में डिवाइड कर दिया, 24 12। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बनेगा, ठीक है, अगर अब यहीं से हम काउंट शुरू करते हैं कि मिडनाइट मान लो, जैसे हमने कहा कि डे को एक डे को 12 आवर में दो बार क्लॉक, ये अगर 12 आवर का क्लॉक है तो डे को दो बार काउंट करेगा, ठीक है, किस में 12 आवर में, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब मान लो वन, हमने एक डे को 24 आवर में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ पे हमने दूसरा क्लॉक बनाया। अब अगर मान लो दोपहर के जैसे आपको किसी ने बोला कि 12 आवर है, ठीक है, कितना बज रहा है 22 आवर हो रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 11 बज रहा है, ठीक है, यहाँ पे 10 का मतलब 29 का मतलब 18, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा इस तरीके से, यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे आप कि इसका मतलब ये थोड़ी बात कि ऐसा हो गया, नहीं, इसके लिए दूसरा सिस्टम है, ठीक है, क्या सिस्टम है उस चीज़ को मैं बताऊंगा, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में सर इसके बगल में ये बना हुआ है तो ये हो जाएगा, जैसे मैंने बोला 22 तो 11 बज गए रात के, नहीं, ठीक है, 23 तो 12 बज गए, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना, ऐसा थोड़ी है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, पहले आप इस क्लॉक को एक बार समझिए ध्यान से, ठीक है, अभी इस क्लॉक में कितना बज रहा है,
ये आपका मिनट का रेड्यूल है, ये सेकंड का एक्चुअली में बड़ा हो नहीं पाया, स्पेस कम था, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये सेकंड का है। तो यहाँ पे देखिए अभी बज रहे हैं 12:30, ठीक है, 12:30 o'clock, कितना हो रहा है 12:30 o'clock। तो यहाँ पे अब अगर हम बड़े बिग वाले क्लॉक में ध्यान से इसको देखें, 24 आवर का क्लॉक जो है उसमें देखें ध्यान से, तो कितना बज रहा है 24 यहाँ पे है, तो आवर की रेडियल यहाँ पे आएगी, काउंट करिए 24 एंड इधर हियर, मीन्स रात के 24 आवर लेफ्ट हो चुके हैं, नया डे स्टार्ट हो गया है, नया डे स्टार्ट हो गया है, तो 12 आवर को क्लॉक नहीं काउंट नहीं करेंगे। 12 से कोई चीज़ स्टार्ट होगा, 24 से जब कोई चीज़ स्टार्ट होगा तो उसको हम 00 मानते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं कि 0:30, रात के कितने बजे हैं 30 बजे हुए हैं, ठीक है 30 मिनट हुए हैं, रात के कितने हुए हैं 30 मिनट हुए हैं, कि जो दूसरा डे स्टार्ट हो गया भैया, नेक्स्ट डे के अभी 30 मिनट ही लेफ्ट हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दूसरा डे स्टार्ट जब चलेगा तो कितना बच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पे बात आती है, चलिए ठीक है, इस चीज़ को समझ के मैं आ गया होगा आई होप। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा ये एम पी एम समझ में आ गया, अब इस क्लॉक का बहुत वैल्यू है, इस क्लॉक को ही आपको समझना है, और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा कि जो टाइम है, टाइम को हम दो तरीके से देखते हैं, 24 आवर में देखते हैं और 12 आवर में देखते हैं। 12 आवर में आपको नॉर्मल पता है कि कैसे 12 आवर में आपको देखना है क्लॉक को, सबको नॉर्मली घड़ी देखना आता है, लेकिन 24 आवर में कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि आप देख नहीं पाते हो। तो उसका सबसे फॉर्मूला, सबसे सरल तरीका ये है, अगर कोई क्लॉक का टाइमिंग, ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चेंजिंग कहाँ से होती है, 1 से 12 तक तो सही चलता है सब सिस्टम, 1 से 12 तक तो आपका 24 आवर क्लॉक में भी वही रहता है सिस्टम, और 12 आवर क्लॉक में भी वही सिस्टम रहता है, कहाँ तक 1 से 12 तक रहता ही नहीं रहता है, कि भाई अगर रात के मिडनाइट से हम अगर घड़ी को देखेंगे तो 12 तक तो सारा सिस्टम वही रहता है, ठीक है, कि रात से अगर हम देखेंगे रात में 24 आवर की घड़ी में 1 AM हो रहा है, तो 12 आवर के क्लॉक में भी 1 AM ही होगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर 12 तक सब सेम रहता है, अब 12 के बाद ही 24 आवर अपने 13 दिखाता है, जबकि 12 आवर में क्लॉक में फिर से 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1 हो जाता है, होता ही नहीं होता है, ठीक है, फिर से 1 हो जाता है, अब यहाँ 14 चला तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ 15 चला तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 16 चला तो यहाँ पे 4 हो गया। तो भैया अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है, तो हम इसके लिए करें क्या, कि अगर हम टाइमिंग समझ नहीं पा रहे हैं, अब देखिए अगर हम कन्वर्ज करेंगे 24 आवर क्लॉक को किस में, 24 आवर क्लॉक को किस में चेंज करेंगे 12 आवर क्लॉक में, तो क्या करेंगे, अभी इसको समझ लीजिए, इसका मैं कॉन्टेप्ट फिर दूसरी बार बताऊंगा, ये अभी आपको नॉर्मली मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 12 से ज़्यादा टाइमिंग दिखा रहा है 24 आवर क्लॉक में, क्या अगर टाइमिंग 24 आवर क्लॉक में 12 से ज़्यादा है और उसे हमें पता करना है कि 12 आवर क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, देन तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, तो हम उस टाइम में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 आवर को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे 13 है तो 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 1, यानी कि 12 आवर क्लॉक में कितना बज रहा है 1 बज रहा है। अब मान लीजिए 24 आवर क्लॉक में 14 बज रहा है, अब यहाँ से हमने फिर 12 आवर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसमें यहाँ पे कितना बज रहा है 2 आवर हो गया, ठीक है,
यहाँ पे फिर 12, यहाँ पर भी 12, ऐसे हम करते हुए 24 तक चले जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि 12 आवर क्लॉक में टाइमिंग क्या हो रहा है। अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, फिर से समझिएगा। अगर 24 आवर टाइमिंग में टाइम आपका 12 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 24 आवर टाइम में आपका टाइम 12 से ऊपर जा रहा है, हाई जा रहा है, तो आपको अगर पता करना है कि 12 आवर में टाइम क्या है, देन यू आर सब्ट्रैक्ट 12 आवर फ्रॉम द अबव 12 आवर ओ क्लॉक इन 24 आवर क्लॉक। ठीक है, जो टाइम है उस टाइम में से हम 12 आवर को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब ठीक इसके उल्टा आते हैं कि जब भैया हमें टाइम 12 आवर में दिया हुआ है और वापस हमें 24 आवर में चेक करना है तो हम करेंगे क्या, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम 12 ऐड कर देंगे, इस साइड में 12 ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसकी टाइमिंग क्या हो रही है 24 आवर में। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे वन, हमने 1 AM हो रहा है, कहाँ पे वन, यहाँ पे 1 बज रहा है, ठीक है, 12 आवर में हमने यहाँ पे 12 ऐड कर दिया, तो ये 24 आवर में कितना टाइमिंग हो जाएगा, 13, ठीक है, 2 यहाँ पे बज रहा है तो यहाँ पर 14, यहाँ पर 15, 16, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर AM कह रहा है, PM कह रहा है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों को मैं बाद में डिक्लेयर करके बताऊंगा। और आई होप ये चीज़ें अभी तक के इस लेक्चर में, यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी टॉपिक को लेके आऊँगा, कन्वर्जन ऑफ टाइम। क्या लेके आऊँगा? कन्वर्जन ऑफ टाइम लेके आऊँगा। और इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, नहीं समझेंगे बेटा तो बहुत कन्फ्यूजन होगी, कर नहीं पाएंगे, ठीक है। AM PM सर ने क्या बताया था, तो आप PM की जगह प्रधानमंत्री लिख के आओगे, ठीक है, डोंट, तो इस तरीके से मत करना, ठीक है, इसलिए इसको समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आता आप कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, ठीक है, वहाँ पे कमेंट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, बीच में छोड़ा मत कीजिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप परेशान होंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू, और घर पे रहिए। इसके आगे का प्रोसेस मैं कल बताऊँगा, इसके आगे का प्रोसेस जब नेक्स्ट वीडियो लूँगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। थैंक यू, हैव नाइस डे।